हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज हम ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। आज हमने देखा होगा कि 1 फरवरी को जो बजट आया था, यूनियन बजट आया था 2020-2021 के लिए। जब बजट चल रहा था, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी बजट अनाउंस कर रही थी, स्पीच पढ़ रही थी, तो हम देख रहे थे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। हम देखते थे कुछ पॉइंट से मार्केट ऊपर जाती थी, कुछ पॉइंट से मार्केट नीचे आ जाती थी। पर एट द एंड ऑफ टाइम जब मार्केट की क्लोजिंग हुई, तो हमने देखा कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाके बंद हुई है। गाइस, अगर हम प्रीवियस स्टडीज करते हैं, तो हमने ये बात जरूर देखी है कि कुछ बजट्स में ज्यादातर हमने देखा है कि ऐसा होता है कि बजट आने से पहले तो रैली बहुत अच्छी चलती है, पर जिस टाइम बजट आता है, तो हम उसके बाद से एक मंदी दोबारा देखने को मिल जाती है हमारी स्टॉक मार्केट। सो गाइस, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 100,000 पॉइंट जाके नीचे बंद हुआ है। अगर हम निफ्टी की बात करें, तो 11,660-70 के आसपास जाके उसने अपनी क्लोजिंग दी, और बैंक निफ्टी ने तो अपना 30,000 का लेवल भी तोड़ दिया, जो कि 29,800 के आसपास जाके अपनी क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। गाइस, जो बजट आया है, ये बजट अच्छा भी है और कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट करी है इस बजट में कुछ पॉइंट्स ने, और बुरा भी है। गाइस, मार्केट ने बजट में बहुत सी ज़्यादा जो चीज़ें थी उसको लेकर चल रही थी, एजम्पशन कर रहे थे, और जो एनालिस्ट थे वो लोग एज्यूम कर रहे थे कि ये चीज़ें होंगी बजट पे, और वो चीज़ें नहीं हुई। रियल स्टेट में जो होना था रियल स्टेट में भी नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा बूस्ट देना था, वो भी ज़्यादा नहीं दे पाए। कई दो सबसे बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से ये मार्केट गिरी है। उसका रीज़न क्या है वो हम आप लोगों को बताएंगे। रीज़न बहुत सारे हैं, जो दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन्स थे, हम उसकी बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहला जो रीज़न था वो रीज़न है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का। हाँ गाइस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का है सबसे बड़ा रीज़न जो हम लेकर चल रहे हैं, कि हमें लगता है कि इसकी वजह से एक रीज़न था कि मार्केट में गिरावट है। गाइस, जिस टाइम हम अपनी स्पीच देख रहे थे, जिस टाइम मैं स्पीच सुन रहा था, उस टाइम मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा था और देख रहा था कि कौन से पॉइंट्स की वजह से मार्केट एक नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई। हम देख रहे थे कि जब स्पीच शुरुआत से चालू हुई, तो हम देखते थे कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिर जब बात हुई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर, गाइज, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर जब बात हुई, और जब हमने मार्केट की स्टडी करी कि मार्केट निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो हमने देखा कि जब उन्होंने अपनी सबसे पहली सेंटेंस लाइन में यह बात बोली कि हम डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबॉलिश कर रहे हैं, हम लोग हटा रहे हैं, तो हमने देखा था मार्केट में एक बाउंस बैक आया और मार्केट पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू हुई। पर जब उन्होंने ये बात समझानी शुरू करी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में और अंदर उन्होंने पॉइंट्स को कवर करा और समझाने की कोशिश करी, तो मार्केट ने वहां से अपना एक यू टर्न ले लिया और हमने एक ज्यादा डाउनफॉल देखी। सो अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात करें, तो अगर मैं आप लोगों को उससे बताना चाहूँ, तो वो एक तरीके का होता है गाइस, कि आप लोगों को पता होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि हम लोग हो गए, या प्रमोटर्स हो गए, या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, HNIs होते हैं, जब भी कंपनी को प्रॉफिट जनरेट होता है, जब भी कंपनी को प्रॉफिट जनरेट होता है, तो कंपनी उसमें से कुछ हमें डिविडेंड के रूप में भी देती है। हमें डिविडेंड के रूप में आप देखते होंगे कि आप कोई पर्टिकुलर शेयर होल्ड करते होंगे, तो वो आप लोगों को उसका डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। और आपको ये बात पता होगी, यार आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमें वो डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, यानी कि उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। अब ये हमें टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता, क्योंकि गाइस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के अकॉर्डिंग जब भी कंपनी जितना भी डिविडेंड देती है, जितना भी डिविडेंड कंपनी निकालती है, उसमें से 15% का उसे टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर एक कंपनी ने, अगर हम कोई भी कंपनी की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोल इंडिया की बात कर लेते हैं, अगर कोल इंडिया ने, फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं, अगर कोल इंडिया ने 20,000 करोड़ का एक डिविडेंड निकाला है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो शेयर होल्डर्स, उनके प्रमोटर्स और HNI सब लोगों में बटेगा, तो 20,000 करोड़ में से सबसे पहले उन्हें 15% टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं DDT। प्लस गाइस, ये 15% ऐसे ही नहीं खत्म हो गया, प्लस उन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पर सरचार्ज देना पड़ता है, प्लस उन्हें सेस भी देना पड़ता है। एडिशन 15% के साथ साथ उन्हें सरचार्ज और सेस भी देना पड़ता है, जो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 5.59% होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल उन्हें 20,000 में से, 20,000 करोड़ में से
20.59% का तो टैक्स देना ही पड़ता है। तो गाइज आप समझ सकते हैं, जब ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब ये गवर्नमेंट के पास टैक्स चले जाता है, जो अमाउंट बचता है वो डिवाइड होता है प्रमोटर, शेयर होल्डर और एचएनआई को। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के लिए कितनी बुरी बात है, ये कंपनी को टैक्स देना पड़ता है और हम लोगों को नहीं देना पड़ता, तो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत पॉजिटिव बात थी। बट जब उन्होंने अपनी पहली सेंटेंस लाइन में बोला कि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एबॉलिश कर रहे हैं, हम उसे हटा रहे हैं, तो गाइज मार्केट ने एक पॉजिटिव वे में उसे लिया। बट उन्होंने ये क्या बात बोली, अब आप ये नीचे वाली लाइन पढ़िए, लिखा हुआ है, इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द सिस्टम ऑफ लिवाइंग डीडीडी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टैक्स बर्डन फॉर इन्वेस्टर्स एंड स्पेशली दोज हु आर लाइबल टू हुआ लाइबल टू पे लेस टैक्स देन द रेट ऑफ डीडीटी इफ द डिविडेंड इनकम इज इंक्लूडेड इन देयर इनकम। यानी कि अब वो ये कह रही है कि हमने कंपनियों को, तो ये जो कंपनी है, एक जो मैं कोल इंडिया की बात कर रहा हूँ, उन्हें तो हमने डीडीटी से हटा दिया, हमने उनके लिए तो डीडीटी हटा दिया, अब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो 20,000 करोड़ का अगर डिविडेंड हमें बांटती है तो वो पूरा का पूरा बांटेगी, उसमें से उन्हें 20% का डीडीटी नहीं देना पड़ेगा। बट उन्होंने जब ये लाइन बोली तो हमने देखा कि मार्केट में एक रिवर्स आया और मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरने लग गई। अब ये लाइन का मतलब क्या है, अगर मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाऊंगा तो ये मैं आपको एक दूसरी स्लाइड में लेकर चलता हूँ, और मैं पहले ये हटा देता हूँ। दूसरी स्लाइड में जब मैं आपको लेकर चलूंगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि रेट स्लैब आया। ये जो पर्सनल टैक्स में इन्होंने एक, हमने देखा है कि एग्जिस्टिंग स्लैब और न्यू टैक्स रेट आया जिसमें उन्होंने कम करा है हमारा पर्सनल टैक्स। अब इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये लाइन का मतलब क्या था, मार्केट में रिवर्स क्यों आया और हम, हमारे शेयर होल्डर्स, हम लोगों के लिए ये बुरा क्यों है। गाइस हमारे लोगों के लिए बुरा इसलिए है, अगर हम आपको बताना चाहूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं पे करना था, तो गवर्नमेंट को तो सीधा सीधा पैसों का नुकसान हो रहा है, अब वो कैसे करेगी। तो अब क्या होगा, ये जो 20,000 करोड़ है, जब ये हमारे लोगों को बटेगा, जब ये हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा इस डिविडेंड के अंदर। हाँ गाइस, ये क्या करा हमारी गवर्नमेंट ने, सीतारमन जी ने क्या करा बजट पे, कि कंपनी से तो वो टैक्स हटा दिया, पर वो ही टैक्स हमारे हमारे शेयर होल्डर्स के ऊपर वो लगा दिया गया। कि यानी कि डिविडेंड हमें पहले टैक्स फ्री मिलता था, हमें डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, बट अब हमें उस डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि आपको आपकी जो इनकम है, उस इनकम में जो आपका डिविडेंड होगा उसे ऐड करा जाएगा, और अगर वो इस पर्टिकुलरली इनकम स्लैब के अंदर आती है, टैक्सेबल इनकम स्लैब के अंदर आती है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली, इनकम पर्सनल टैक्स के अकॉर्डिंगली ही आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। अब कैसे हम बात करें, देखिए गाइस मैं दो कंडीशन लेकर चल रहा हूँ, ए और बी। सबसे पहले एक बंदा है जिसकी हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलते हैं तो इसकी 2 लाख की इनकम है, ठीक है 2 लाख है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी है, अगर हम बात करते हैं 6 लाख, ठीक है गाइस। ये दो बंदे हैं और आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, आप लोगों के पर्पस से ही आप लोगों को समझाया जा रहा है। एक बंदे की 2 लाख की इनकम है, एक बंदे की 6 लाख की इनकम है। ये रही कंपनी, एक कंपनी ने एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना करा, अगर हम मान के चलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा और उसने 50,000 रुपए का, 5,000 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा, तो यानी कि 5,000 इसे मिले, 5,000 इसे मिलने चाहिए, ठीक है। बट कंपनी जब 10,000 रुपए का डिविडेंड निकालती है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो ही शेयर होल्डर है, 10,000 का डिविडेंड इसने निकाला, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई पहले तो हमें इसका 20% देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट पे जाएगा, जब इसका 20% देंगे तो बचा कितना, 8,000 रुपये। यानी कि अब ये जो 8,000 रुपये है, ये 8,000 में से 4,000 इसको मिलेगा और 4,000 इसको मिलेगा, जैसा कि आप समझ गए होंगे। तो अब होगा क्या, जब ए, मैं एक और क्लियरली तरीके से लिख देता हूँ, जब ए और बी को 4,000 मिलते हैं, जो मिलना चाहिए एक अकॉर्डिंगली 5,000 रुपये, तो अब ए वाला बंदा क्या कह रहा है, ए वाला बंदा कह रहा है गाय भाई मेरा तो 1 लाख रुपए की इनकम है, गवर्नमेंट ने तो कहा है कि 1 लाख रुपए में कोई टैक्स भरना नहीं है, तो आप जब मुझे ये डिविडेंड दे रहे हो तो मुझे 5,000 रुपये पूरा दो ना, अगर मेरी इनकम
1,05,000 भी हो जाती है ये डिविडेंड लेने के बाद, तो भी मुझे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो आप मुझे क्यों टैक्स काट के 4,000 रुपये दे रहे हो? तो ये इस बंदे के लिए एक नेगेटिव बात थी। अब अगर हम इसकी बात करें जिसकी इनकम 6 लाख रुपए है, तो ये तो टैक्स भरेगा, ये तो 6 लाख में जितना टैक्स बढ़ता था, 4,000 रुपये और ऊपर ऐड कर दोगे तो भी उसे उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा जितना वो पहले पड़ता था। तो बी वाले बंदे के लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये जो तुम लोगों को प्रॉब्लम होती थी, जो ए बंदे तुझे अगर प्रॉब्लम होती थी कि हम तुझे टैक्स काट के देते थे, तो हाँ कोई बात नहीं, अब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो हम काट के दे देते हैं वो हटा देते हैं, अब तुम्हें पूरे के पूरे 5,000 रुपये मिलेंगे। बट अब अगर तुम्हारी इनकम 1,05,000 रुपये हो गई है तो भी तुम्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस वाले स्लैब के अंदर आते हो जिसमें तुम्हें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर तुम्हारी इनकम 1 लाख से बढ़ के 5 लाख हो जाती है और तुम्हें मैंने 5,000 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया, तो तुम्हारी इनकम कितनी हो गई, 5,50,000, ठीक है, 5,05,000 हो गई, सॉरी। तो अब आप आते हो गई भाई इस स्लैब में, तो जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में 20% का टैक्स लेते थे 5,000 रुपये, अब आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अब आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा जो कि न्यू स्लैब में आ चुका है। यानी कि जो आप इनकम स्टेटमेंट के थ्रू में, अगर आप इनकम टैक्स के थ्रू में जो पेमेंट करते थे, टैक्स भरते थे, अब आपको उसी स्लैब में उसे टैक्स भरना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव बात भी थी, अगर हम बात करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम एक पॉजिटिव बात लेकर चलते हैं और एक नेगेटिव बात लेकर चलते हैं, तो पॉजिटिव था कंपनी के लिए कि वो आराम से प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, और जो डिविडेंड में वो टैक्स बढ़ती थी वो अपनी बुक्स में उस पैसे को लिख सकती है और उनकी जो इनकम है वो और अच्छे से जनरेट हो सकती है। अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की, प्रोमोटर्स की और HNIs की, हाँ गाइस उनके लिए एक नेगेटिव चीज है कि उन्हें LTCG भी देना पड़ता, STCG भी देना पड़ता है, STT भी देना पड़ता है, साइट में उन्हें GST भी देना पड़ता है और साइट में उन्हें ये वाला टैक्स भी देना पड़ेगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि कितना बर्डन आ गया है हमारे शेयर होल्डिंग पे। तो इस तरीके से ही उन्होंने ये बात छेड़ी थी। अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, तो आपको ये पता होगा कि जब ये इन्होंने बात निकाली थी तो उन्होंने ये बात बोली थी, द रिमूवल ऑफ DDT विल लीड टू द एस्टिमेट एनुअल रेवेन्यू फॉरगोन ऑफ 25,000 करोड़। यानी कि उन्हें 25,000 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान होगा, और ये एक इंडिया के लिए बोल्ड मूव था क्योंकि वो जो डेस्टिनेशन था इन्वेस्टमेंट्स का, उन्हें अट्रैक्ट करती, कैसे अट्रैक्ट करती, किसको अट्रैक्ट करती, जो लोग यहाँ पर कंपनीज ओपन कराना चाहते हैं, पर इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए तो ये नेगेटिव बात है। अब प्रमोटर्स की बात करें, वो 2.5% का स्टेक लेकर रखते हैं कंपनी में, कोई 5-5% का स्टेक लेकर रखता है। म्यूचुअल फंड्स के लिए कितनी बुरी बात है, ये म्यूचुअल फंड्स को भी अब देना पड़ता। तो गाइज वो लोग हैवी क्वांटिटीज में अपनी होल्डिंग्स लेकर रखते हैं और जो उन्हें डिविडेंड मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। अब वो अगर उसी डिविडेंड पे वो टैक्स भरेगी तो उनके लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंपनी खोलने के लिए तो अच्छी बात है, पर कोई अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा पर्टिकुलर कंपनीज पे तो उनके लिए एक ये नेगेटिव बात है। तो सबसे बड़ा रीजन था मार्केट फॉल का, वो था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट था LTCG। गाइज ये इकोनॉमिक टाइम्स का है जो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये आप देख सकते हैं। तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि अरुण जेटली ने लगाया था, और अगर हम इसके बारे में पढ़े, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन चूज टू रिटेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन हर सेकेंड बजट। Most market participants were expecting a rollback of LTCG and an extension of holding period to qualify for the long-term capital gain tax. इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसके बारे में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हेल्ड ओवर अ ईयर आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड टैक्स्ड एट 10% ऑन गेन ऑफ ओवर ऑफ 1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्या कह रहा है, अब गाइस आप लोगों को पता होगा कि न्यूज में कितनी बात थी कि LTCG जो अरुण जेटली ने लगाया था, और उन्होंने कहा था कि अगर आप 1 साल से अबव 1 ईयर, अगर अबव
1 ईयर अगर आप कोई शेयर को होल्ड करके रखते हो तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10% का देना पड़ेगा, जो कि LTCG में आता है। इन्होंने ये बात कही थी। अगर आपका जो गेन है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको साल में 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा। और हमने देखा था जिस टाइम वो बजट में आया था उस टाइम भी मार्केट में कितनी गिरावट आई थी और पूरे 6 महीने तक वो मंदी चली थी। अब हमने ये बात सोची थी कि गवर्नमेंट अगर इतना अच्छा कर रही है तो वो ये शायद हो सके कि LTCG टैक्स जो है, ये जो LTCG टैक्स है इसको शायद हटा ही दे, क्योंकि इससे ज्यादा रेवेन्यू तो उनके लिए जनरेट हो ही नहीं रहा। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, वो लोग भी अब कम कर रहे हैं, वो लोग भी होल्ड नहीं करना चाह रहे। तो इसने जब मार्केट ने स्टडी करी और जब वहां स्टडी हुई तो पता चला कि इन लोगों को ज्यादा रेवेन्यू तो जनरेट हो ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से इन लोगों को तो इसको हटा ही देना चाहिए था। और अगर चलो नहीं भी हटाती तो जो इन लोगों ने कर रखा है कि 1 साल में उन्हें 10% का टैक्स देना पड़ेगा, उसे बढ़ा के वो 5 साल कर दी थी कि 5 साल अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारी मार्केट अच्छा भी लेती, पॉजिटिव भी लेती, पर पूरे बजट के अंदर, पूरी स्पीच की बात करें तो पूरी स्पीच में इन्होंने LTCG की तो कोई बात ही नहीं करी, ना LTCG का नाम लेकर आए। तो हमारी मार्केट ने इतनी पॉजिटिव नेगेटिव वे में लिया कि हमारी मार्केट आप देख सकते हो पूरी की पूरी नीचे आ गई और 300 से 360 पॉइंट तक की निफ्टी ने गिरावट दिखा दी। तो गाइज ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। LTCG जो हम सोच रहे थे कि गवर्नमेंट बजट की में हटा सकती है, या फिर जो 1 साल में हम 10% भरते थे वो 5 साल कर सकती है उसे। और अगर हम बात करें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की तो उसे हटा के वो हमारे ऊपर बर्डन नहीं डालती, तो गाइज हमारी मार्केट इतने पॉजिटिव वे में लेती कि हम अपसाइड देख सकते। तो ये दो बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी मार्केट गिरी है। और अब क्या होता है मार्केट में उसकी भी पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो हम लेकर आएंगे जल्दी ही और आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपने बजट पढ़ा है तो इस बजट पे आपको कौन से पॉइंट्स नेगेटिव लगे, कौन से पॉइंट्स पॉजिटिव लगे। और ये बजट क्या आप लोगों के लिए, ये इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं या ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और हम लोग उस बारे में डिबेट जरूर करेंगे। सो इसी के साथ मैं शिवांश भसीन आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पे। मैं साइन।